आज सुनाता हूं तुम्हें मैं गाथा एक वीर की। धड़ से अलग होके भी महाभारत देखने वाले सिर के। आज सुनाता हूं तुम्हें मैं गाथा एक वीर की। धड़ से अलग होके भी महाभारत देखने वाले सिर की। घटोत्कच का पुत्र था वो, भीमसेन का पौत्र। पंडु उसका कुल था और क्षत्रिय गोत्र। मजबूत उसके बाहु थे, चेहरे पर तेज अधिक। मजबूत उसके बाहु थे, चेहरे पर तेज अधिक। विश्व में श्रेष्ठ योद्धा था वो, नाम था बर्बरिक। बर्बरिक सा विश्व में कोई शूर नहीं था। बर्बरिक सा विश्व में कोई शूर नहीं था। दुर्भाग्य ये था कि वो किसी और नहीं था। क्षत्रिय धर्म पालने का उसने लिया था प्रण। क्षत्रिय धर्म पालने का उसने लिया था प्रण। दुर्बल के पक्ष से लड़ने का गुरु को दिया वचन। शत्रु को पराजित करने को काफी थे तीन ही बाण। शत्रु को पराजित करने को काफी थे तीन ही बाण। गुरु से लिए इस विद्या से वो बन गया बलवान। बर्बरिक के बाण से छुप सके ना पीपल के पर्ण। महायुद्ध में लड़ने के लिए व्याकुल था उसका मन। बर्बरिक के आने से सब हो गए चिंतित। वो वचन से बंधा है ये हो गया प्रतीत। फिर माधव ने खुद की बर्बरिक से बात। कहा पौत्र तुम्हें देना होगा धर्म का साथ। पौत्र बर्बरिक भले युद्ध में सब ज्येष्ठ हो, पर तुम ही योद्धा श्रेष्ठ हो। तुम जिस भी ओर से लड़ोगे प्रतिपक्ष कमजोर करोगे। युद्ध के प्रवाह में यदि कुरुसेना दुर्बल हो गई, युद्ध के प्रवाह में यदि कुरुसेना दुर्बल हो गई तो वचन के अनुसार तुम उनसे जा मिलोगे। फिर अपने ही हाथों अपनों का महाविनाश तुम करोगे। देख के तुम्हारे सामर्थ्य का अनदेखा आवेश। देख के तुम्हारे सामर्थ्य का अनदेखा आवेश। न धर्म रहेगा न अधर्म रहेगा, बस तुम ही रहोगे शेष। वासुदेव के उपदेश से हुआ आत्मज्ञान। वासुदेव के उपदेश से हुआ आत्मज्ञान। वंश बचाए या वचन, दुविधा में पड़ गए प्राण। गुरुदक्षिणा में माधव को दे दिया सिरदान। गुरुदक्षिणा में माधव को दे दिया सिरदान। कटे हुए सिर को भी मिला महाभारत देखने का वरदान। धर्म के लिए मर मिटने की वो दे गया है सीख। धर्म के लिए मर मिटने की वो दे गया है सीख। महावीर से महान आत्मा बन गया बर्बरिक। महावीर से महात्मा बन गया बर्बरिक। चलो हम हो ले उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश।